ने इन लोगों को याद किया हुआ है। बाकी यहाँ पे वो लिबाल लगा हुआ है। आहा टिकते नहीं दो ना नहीं दे दा कटर दे खिस्ता कट ही लगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तनवीर एक दफ़ा फिर एक नए लॉग के साथ। जैसे आपके भाई ने आप लोगों को कहा है कि हम रेगुलर एक एक लॉग बनाएंगे, रेगुलर डेली आप लोगों के साथ लॉग शेयर करेंगे, तो जी हाँ कोशिश करेंगे, बनाते रहेंगे जब तक स्टेमिना है, जब तक मेरा दिल करता है आप लोगों के लिए बनाऊंगा इंशाल्लाह। मेरे साथ है वसीम अली खिलजी। वसीमा संग है बराबर पेपर दी कल दी पब्बारा दे दू पेपर दे माँ। मैंने कल रात भी एक पोस्ट शेयर किया हुआ था, वसीम और तहसीन के लिए दुआओं की ज़रूरत है। तो खैर इन दोनों के लिए नहीं, वो दो नाराज़ हो गए थे सना और बुरहान। वो कह रहे थे कि यार हमारा ख़त्म हो गया कि आपने हमें याद नहीं रखा। तो जी हाँ सनाउल्ला और बुरहान हसास को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। हमारा भी एग्ज़ाम अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी बाकी है, तो हमें भी याद रखिएगा कि अच्छा अच्छे रिज़ल्ट अच्छे अच्छे नंबर हमें मिले तो बड़ा ही अच्छा होगा हमारे लिए। इसके अलावा मैं और वसीम अभी जा रहे हैं बाज़ार। आप वसीम के हाथ में गैस देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर जी, सर जी हैं तो आप वसीम के हाथ में गैस देख सकते हैं, इसको भी भरवाना है और सिलेंडर देख सकते हैं और बाकी कुछ सामान है मिस के लिए। मेरा बाज़ार की ड्यूटी है, मेरे साथ मेरा पार्टनर होता है वसीम, तो जाते हैं वो सब काम करते हैं और आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो स्टे विद मी जी। एक बात मैं आप लोगों को बताना भूल गया, आप देख सकते हैं ये सर्दी का मौसम यहाँ पे आ चुका है, बल्कि सर्दी है। रात को हम वो क्या कहते हैं बड़स्तन को, क्या कहते हैं बड़स्तन हम ओढ़ लेते हैं, कंबल नहीं बड़स्तन रजाई आप कह सकते हैं, तो वो हम ओढ़ लेते हैं, रात को छादरे भी ओढ़ लेते हैं। तो मौसम बड़ा सी सर्द हो चुका है, लिहाजा ये आप भी देख सकते हैं वो ग्रीनरी ख़त्म हो चुकी है, ये पीला पीला पड़ चुका है कंबल वगैरह। तो खैर मौसम भी चेंज हो चुका है, तो ये सर्दी श्रृंगल में अच्छी नहीं होती, गर्मी अच्छी होती है क्योंकि यहाँ पे गर्मी होती नहीं है, मौसम बड़ा ही अच्छा होता है गर्मी वाला, सर्दी में पानी और सब कुछ ठंडा होता है तो थोड़ा मुश्किल होता है, नहाने का बहुत बड़ा मसला होता है। आज भी आपका भाई ठंडे पानी से नहाया है क्योंकि गर्म हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो खैर बाज़ार जाते हैं फिर मिलते हैं। यहाँ पर हम डालेंगे गैस में, सॉरी सिलेंडर में गैस, पता ना स्टेमिना नहीं था लार उसको एग्जाम ना हो पस ना डेर था, बस यही हालात है, मिस की ड्यूटी है करनी पड़ती है। ये रहा श्रृंगल का बाज़ार और ये रहा नकीब और ये रहा ये सरेंडर। ठीक है ऐसा संगे जाना ना लागे चुका सब मना ना, यहाँ से लिया अंगूर सब्जी बहुत कुछ लिया और खोक दे हाँ खोक दे पाया था बनाना, तो ऐसी चल लिया और कुछ लेते। तो अब यहाँ से लेंगे हम ये वाले चावल और फिर जाएंगे हॉस्टल। ये है हमारे बड़े भाई, ओए संगे गुलाम से जो गुलाम हाजी गुलाम में शरूर है मुँह होता तरवा डेर खसड़े रहे दादा का दुकान ने और बस होल सेल माने सौदा खर से मुँह सर अड़े रखा कई पर आए माने सौदा रखा ही मैं उस बमू उगा लू दीजिए ने चावल अंगूर बखरू माओ मशर और भिया गुजू कथा दादा श्रृंगल बाजार दे तासू ही कथेश गरीबों का बाजार और हमारा बाजार। हाँ ये राजा जू ने बाल तो सामान को खैर व खैरियत से अस्सलाम वालेकुम जी असला है आराम से पहुंचा दिया है सामान को और अब हम मैं और वसीम जाएंगे बाहर वॉलीबॉल देखने। तो वॉलीबॉल वालों के पास जाते हैं और आप लोगों को वो लग दिखाते हैं। माशाल्लाह जी, तो हमारे साथ बैठे हैं सनाउल्ला। सनाउल्ला संग गई अल्हम्दुलिल्लाह यार शुक्र दे रोज स्पीखी तेरी एग्जाम दे रहा वन ने भाई मु खुद ले दुआ गोखते देखो हो दादा ने तो जता अनसब्सक्राइब कम ना ना उस पदी लक एग्जाम दे सलोरो कसानो हां बाकी दवा दे दो दो ना ना पदी लक की तमा स्पेशली याद कड़े कसंग उसी में वक्त नहीं याद को नहीं नहीं पिक्चर में शुरू थी हंसते हो ना याद हो गया ना ना उस गोर लग ने आप लोगों ने देखा होगा पहले मैंने इन लोगों को याद किया हुआ है। बाकी यहाँ पे वॉलीबॉल लगा हुआ है। आहा टिकते नहीं दो
ना ने विद दे कटर दे खिस्ता कटी उड़ा बैकग्राउंड में आप अजानें सुन सकती हैं। तो बस अब शाम हो गया है तो हम जाएंगे हॉस्टल, ये बंदा भी जाएगा ये भी जाएगा और ये लोग मेरे ख्याल से नवीद जीत रहे हैं, इनकी कितने पॉइंट्स है 23 और 11 23 और 13 तो उनके 13 है इनके 23 है तो ये लोग जीत रहे हैं। तो लिहाजा हम बस इनको घोषित करेंगे कि जीत चुके हैं और हम जाएंगे अपने हॉस्टल। जी भाई तो वॉलीबॉल देखने के बाद आ गए हैं यहाँ पर। तो जैसे मैंने कहा था कि सर्दी हो चुकी है। हाँ जी दोनों भाग गए तो सना ने गाना लगा लिया है सवेले संग। भाई आपने यार जल्दी में मोबाइल मुझे दिखा दिया ना, मैं कहा कि क्या कर रहे हैं। हाँ लॉग बना रहा हूँ ना जी। इस वक्त एग्जाम खत्म हुआ, खुश हो? एग्जाम खुश हो लेकिन वही वह बाकी है, इसमें गैप है तो बोर हो जाता है। आप बोर हो जाते हैं, इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा तो फिर जाएंगे घर और मजे करेंगे। और ये बंदा मोबाइल में लगा हुआ है, दूसरों के कमेंट्स पढ़ रहा है। और बुरहान ने भी हेयर कटिंग वगैरह की है, वो भी आ चुका है, बंदा खुश है। हाँ और बस ये लॉग यही तक था। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे पेज को फॉलो करें। खादाबाद रहिए, अल्लाह हाफिज़।